अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुर्ग मलाई मेथी की एक जबरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी। एक बार जो आप इसे बना के खाएंगे इसके दीवाने हो जाएंगे। आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बहुत ही ज्यादा आसान है। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें अपडेट्स के लिए। देखिए देखने में ही कितनी यमी लग रही है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मुर्ग मलाई मेथी बनाने के लिए चिकन आधा किलो ले लें। चिकन आप हड्डी वाला ले सकते हैं या बिना हड्डी भी, आपकी मर्जी। हड्डी वाला थोड़ा और ज्यादा टेस्टी होता है। नेक्स्ट हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। पीसेस थोड़े छोटे ही रख लें। इसमें दही डाल दें 150 ग्राम यानी 150 ग्राम, 3 टीस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक डाल दें, आधे नींबू का जूस। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन में दही और अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें हम एक दूसरा मसाला भी ऐड करेंगे, वो है 15 काजू और 5 हरी मिर्च। दोनों को अच्छे से पीस लें एक बारीक पेस्ट की तरह, थोड़ा सा पानी डाल के। इसे भी हमें इसमें मिक्स करना होगा। काजू और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार है, इसे भी डाल दें चिकन में। इसे भी मिक्स कर लें। काजू इस रेसिपी को बहुत अच्छा थिकनेस देगा। और हरी मिर्च हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इस रेसिपी में लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला जाता है, हरी मिर्च से ही स्पाइसी बनती है। आप चाहें तो 5 डालें, 4 डालें, आपकी मर्जी। नेक्स्ट हमें चाहिए मेथी के पत्ते। देखिए इस साइज के 3 बंचेस ले लें और इसे बारीक काट लें। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर लें, एक आधा टीस्पून जितना डालिए। इस तरह से नमक मिक्स करने के बाद इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें। 15 मिनट के बाद 2 या 3 बार पानी से अच्छे से धो लें। इस तरह से करने से मेथी में जो कड़वाहट होती है वो कम हो जाती है। मेथी के पत्ते तो हमारे रेडी हैं, इसका पानी मैंने अच्छे से निकाल दिया है। नेक्स्ट एक पैन ले लें और इसमें थोड़ा सा घी डाल दें। जब ये घी मेल्ट हो जाएगा इसमें मेथी के पत्ते डाल के भून लें। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लें। इस तरह से करने से जो मेथी में कड़वाहट होती है वो कम्प्लीटली चली जाएगी। अगर आप ये प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे, यानी नमक लगा के पानी मिक्स करना, वो सभी अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा मुर्ग थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। इसीलिए मैंने जो मेथड बताया है उसे अच्छे से फॉलो करें। चलिए मेथी तो रेडी है, फ्लेम बंद कर दें। पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लें, 2 या 3 टेबलस्पून। तेल गरम हो चुका है, इसमें प्याज डाल दें। इसका रंग गुलाबी होने तक इसे ऐसे ही सॉटे करते रहिए। आप चाहें तो इस रेसिपी से प्याज कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, यानी बिना प्याज के भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि प्याज बहुत महंगी है। प्याज का रंग हल्का सा गुलाबी हो गया है, इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें। अब चिकन डालने के बाद इसे अच्छे से भून लेते हैं। अब चिकन को मैंने अच्छे से भून लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, 1 कप जितना डालिए। थोड़ा सा नमक डाल दें और जब ये अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो जाए फ्लेम को लो पे रख दें और चिकन गलने तक ऐसे ही लो फ्लेम पे गलाते रहिए। इस पे लिड भी बंद कर देते हैं। चिकन तो हमारा गल चुका है, इसमें हम मेथी के पत्ते डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे। मिक्स कर दें। मेथी के पत्ते डालने के बाद फिर से इसे थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे ही पका लेते हैं, 2 से 3 मिनट। देखिए हम इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसमें होनी चाहिए मेथी की खुशबू। इसका कलर देखिए आप, लाइट ग्रीन आ चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब फ्लेम को लो पे रख दें और इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम 4 से 5 टेबलस्पून। फ्रेश क्रीम आपको आसानी से किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो दूध के ऊपर की मलाई को पीस के डाल दें, थोड़े से दूध के साथ पीस लें।
अगर आपके पास वो भी नहीं है तो थोड़ा सा दूध ही डाल दें। फ्रेश क्रीम डालने के बाद फिर से फ्लेम को लो पे रख दें 5 मिनट के लिए। लिड बंद कर दें। बहुत ही ज्यादा शानदार मुर्ग मलाई मेथी हमारी तैयार है। फ्लेम बंद कर दें। ये बहुत ही ज्यादा मजेदार चिकन की रेसिपी आप रोटी के साथ, नान के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं और इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही ज्यादा मजे की होती है और साथ ही चिकन भी। आप लोग इसे जरूर ट्राई करें, सभी को पसंद आने वाली है। कमेंट में जरूर बताएं मुर्ग मलाई मेथी की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी पसंद आए लाइक करना ना भूलें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कुक विद फैम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।